गांव-गांव क्या हर घर नहीं बने शौचालय, शौचालय के अभाव में बेटियां हो रही बलात्कार का शिकार। मध्य प्रदेश में सुरक्षित नहीं है बेटियां, आखिर खुले में शौच जाने वाली बेटियां कब तक बलात्कार का शिकार होती रहेंगी। ताजा मामला सिंगरौली जिले के जियावन थाना इलाके की कटोली गांव का है, जहां शनिवार की सुबह नवविवाहिता युवती गांव के खेत में शौच के लिए गई थी, जहां आरोपी पप्पू पहले से ही मौजूद था। पप्पू ने बुरी नीयत से युवती को धर दबोचा और पास के ही खेत में ले गया और उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़ित युवती ने स्वयं जियावन थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर जियावन टीआई अनिल उपाध्याय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम के साथ आरोपी को चंद घंटों में ही धर दबोचा। आरोपी पप्पू पिता अब्दुल हकीम निवासी हरा चंदेल गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरुद्ध 376, 506, 341 व SST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। वारदात की वजह साफ जाहिर होता है कि गांव का शौचालय बनाने की हकीकत क्या होगी। सरकार के उक्त दावों की पोल भी खुलती नजर आ रही है, जिसमें अब सरकार बेटियों की सुरक्षा का दावा करती है। सिंगरौली से ग्राउंड रिपोर्टर उपेंद्र दुबे की रिपोर्ट।